अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुम टीवी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और हंसी खुशी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दुआ है जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। इस छोटी सी मगर खूबसूरत दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ। आज की वीडियो में आप सबके लिए, अलीज़ा शाह के फ़ैन्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन ऐमन खान के फ़ैन्स के लिए बहुत ही सैड न्यूज़ है जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तफसील से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बआसानी मिल सके। वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सस्पेंस है जो कि आपके लिए क्रिएट होने जा रहा है। जी हाँ व्यूअर्स, तो आपको बताती चलूँ कि ऐमन खान और मुनीब भट्ट, जिनकी लव मैरिज हुई थी और इनकी शादी के बाद इनकी एक बहुत खूबसूरत सी बेटी अमल भी पैदा हुई, ये बहुत खुश थे। रिसेंटली ऐमन खान की बहन मिनार खान की शादी हुई जो कि आजकल हनीमून पे हैं। ऐमन खान मुनीब के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन मुनीब भट्ट को पता नहीं क्या हुआ कि उसने ऐमन खान को छोड़ के दूसरी शादी करने का फ़ैसला कर लिया। लोगों ने, उनके फ़ैन्स ने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का भी इजहार किया, लेकिन मुनीब भट्ट उससे बाज नहीं आए। उन्होंने अलीज़े शाह से शादी का फ़ैसला किया और अचानक से शादी कर ली, जबकि ऐमन खान को ख़बर भी ना हुई कि उसके साथ क्या हो चुका है। उसकी लाइफ उजड़ चुकी है, उसका घर उजड़ चुका है। तो जो ही ऐमन खान को खबर हुई, ऐमन खान रोते हुए मुनीब के घर पहुंच गई, अलीज़े शाह के घर पहुंच गई। लेकिन फिर क्या हो सकता था कि फिर शादी तो हो चुकी थी और फैंस ने अलीज़े शाह और उमर को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेट्स भी कहा कि आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और इनके रिलेशन को लॉन्ग लास्टिंग की दुआ भी दी। फैंस जो हैं वो आखिर एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, लेकिन मुनीब ने ऐमन के साथ अच्छा किया या नहीं, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। मेरे ख्याल के मुताबिक मुनीब ने ऐमन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ऐमन खान इतनी क्यूट, इतनी हसीन वाइफ थी जो कि अभी भी हैं, अब दोनों मुनीब भट्ट की वाइफ्स हैं, अलीज़े और ऐमन। लेकिन आप देख सकते हैं कि उमर जो है वो खुलेआम किस तरह से अपनी बारात और अपने वलीमे का फ़ोटोशूट करवाते हुए आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। इनके चेहरे पे ज़रा भी अफसुर्दगी या ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं है। आप देख सकते हैं दोनों किस तरह से पास पास करीब हो के पोजेस बना के तस्वीर बनवा रहे हैं। तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपको ये न्यूज़ सुन के कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा मज़ीद अपडेट्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।